आज हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे रिवर राफ्टिंग और फिर कोलार के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे कायाकिंग हो गया, राइफल शूटिंग जैसे स्किल्स। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें, नहीं तो अगला निशाना आप ही पे है। हमने किए पानी में ढेर सारे मजे और कैंपिंग बिकॉज थेरेपी महंगी है बाबा। इन्वेस्टमेंट इन ट्रैवल इज अ इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। ट्रैवल करने के कई हिडन फायदे हैं। पहले पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति। दूसरा, आप जब बाहर ट्रैवल करते हो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होता है और एक कॉन्फिडेंस आता है। तीसरा, हम जब दुनिया एक किताब या मूवी से बाहर निकल के एक्सप्लोर करते हैं तब वी ब्रॉडर आर पॉसिबिलिटीज या यू कहे संभावनाओं का विकास होता है। रियल लाइफ एजुकेशन जो मिलता है और कभी ना भूलने वाली पर्सनल मेमोरीज। हाउ टू प्लान योर राफ्टिंग, जाओ गूगल आंटी के पास और सर्च करो। मेरा पर्सनल फेवरेट thrillofia.com है, कॉज उसमें अच्छे कैशबैक और जेन्युइन रिव्यूज एंड इमेजेस होते हैं। बहुत कंपैरिजन के बाद हमने डिटेल्स देके यहाँ रजिस्टर किया। सोलो ट्रैवलर्स अकेले जाके वहाँ कोई ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेक श्योर आप सुबह 8 बजे वहाँ टच हो टू स्टार्ट द एक्टिविटी। फिर क्या ही था, गाड़ी उठाई, चाबी लगाई, मैप में डाला और चल पड़े। कैसा लग रहा है राफ्टिंग अभी? अच्छा है। ओके चलो फॉरवर्ड प्लीज। बिल्कुल इस तरह ये पेडल्स पकड़ के इनको आगे से पीछे करना होता है आगे बढ़ने के लिए। ओके स्टॉप, ऑल बैक पेडल। और बैक पेडल के लिए उसका अपोजिट। ओके स्टॉप, आप लोग राइट साइड हैं, आप लोग लेफ्ट साइड हैं, अपना अपना साइड याद रखना आपने। चलो राइट बैक लेफ्ट फॉरवर्ड करना है। ओके राइट बैक, यस राइट बैक। ये आपका बोट टर्न होगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलो बोट टर्न करना तो सीख गए। ओके फॉरवर्ड प्लीज सब लोग। यस सब लोग, अब सब लोग ऑल फॉरवर्ड। या ओके स्टॉप, यस। अभी आप हेलो हाय कर सकते हो जो दोस्त से हैं। आसान है। राफ्टिंग के लिए जो भी गैजेट्स लगते हैं जैसे हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया और अन्य जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ तक के फोटोज जो निकाले जाते हैं और वीडियोस वो उनके गोप्रो से निकाले जाते हैं और वो भी पैकेज में इंक्लूडेड है। उसके अलावा अगर आपको और फोटोज चाहिए तो ये जो पहाड़ देख रहे हैं इसमें हिडन कैमरामैन रहते हैं जो आपके पिक्चर्स लेते हैं और एक्स्ट्रा पैसे देके आप वो खरीद सकते हैं उनसे। ये राफ्टिंग का लेवल 2 है। लेवल 1 में पानी मूव होता है और छोटे वेव बोट को हल्का हल्का हिलाती है। इट्स अ रिलैक्सिंग वे बिटवीन रैपिड्स। लेवल 2 इजी रैपिड है फॉर फर्स्ट टाइमर्स, जहां वेव्स 3 feet टॉल और वाइड चैनल से अपनी बोट घूमती है और बिल्कुल इस तरह। ये है लेवल 2 राफ्टिंग। बात करें लेवल 3 की तो उसमें वेव्स 4 feet ऊपर और नैरो पैसेज से बोट एक टल्ली इंसान जैसे झूलती हुई, बहुत मजा आता है उसमें भी। ओके पैडलिंग फॉरवर्ड अगेन। जैसे ही आप लेवल 4 टू लेवल 10 जाते हो डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाती है एंड थस LSD सजेस्ट करता है कि अगर आप
जाना चाहते हो तो स्टेप वाइज आगे बढ़े, नहीं तो जान का भी खतरा हो सकता है। स्टॉप स्टॉप साइड, अभी सीधा, अभी रैपिड ही ऐसा है ना। ये हम जो कर रहे हैं वो ग्रेड 2 और 3 जो एक मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल में कंसिडर होता है, जबकि ग्रेड 4 से बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लेवल शुरू होता है। ओके फॉरवर्ड, ओके स्टॉप स्टॉप। क्या आपको पता है इंडिया में कौन सा ग्रेड कहाँ करने मिलेगा आपको? ओके ऑल बैक टीम, ऑल बैक पड़न। स्टॉप 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 स्टॉप। चलिए मैं आपको भारत माता के नक्शे के हिसाब से बताती हूँ आपको कौन सा ग्रेड कहाँ और कौन से एरिया में मिलेगा करने। लद्दाख के इंडस रिवर में आपको ग्रेड 1 करने मिलेगा। ग्रेड 1-4 में बीस रिवर, गंगा नदी, लोहित रिवर, स्पीति नदी और कुंडलिका रिवर, जहां हम आए हैं कोलाड की। ग्रेड 3-4 में तीस्ता नदी और भागीरथी नदी है। सबसे डिफिकल्ट ग्रेड 4-7 में बरापुल नदी कुर्ग की। मजेदार रैपिड था ना? जिंदगी है ही अच्छे दोस्त और नए एडवेंचर्स करते रहने के लिए। ओके फॉरवर्ड प्लीज, फास्ट फॉरवर्ड। स्टॉप गाइस, ऑल बैक पेडल। जस्ट लाइक रोड मैप्स, नदी में भी मैप्स होते हैं। स्टॉप गाइस, अभी हम बढ़ रहे हैं राजधानी की ओर। ए राजधानी एक्सप्रेस। ओके फॉरवर्ड टीम, फॉरवर्ड। Okay, stop guys! Stop, stop! Okay, forward please! Okay, stop guys! अभी राजधानी खत्म। ये एक स्कैरी चॉइस था, बट सच कहूँ तो टोटली वर्थ इट था। राफ्टिंग के अलावा हमने किए बोट पे काफी सारे मजे और खेले काफी सारे गेम्स, जिसमें से एक था गेम ऑफ बैलेंसिंग। लगता है आपको पता कि बैलेंस कितना है, बैलेंस। और बचपन में खेला होगा ना, सर नीचे पैर ऊपर, वैसे ही कुछ। माँ कसम सर घूम जाता है और फिर एक एक करके हम सब पानी में कूदे। टेंशन नको, लाइफ जैकेट पहन के जंप करना है बाबा। ऐसे डाई दे दो, ऐसे सही रहेगा, बचता नहीं है ना। इसमें पानी चोट लगता है, ऐसे भी कर सकता है। ये है कायाकिंग, इसमें एक बोट में एक ही इंसान होता है। मस्त रिलैक्स। कायाकिंग खत्म करके हम आए राइफल शूटिंग की ओर। सच कहूँ तो मुझे कते ही अंदाजा नहीं था कि मैं राइफल शूटिंग में इतनी माहिर हूँ। वो बॉटल दिख रही है, वो है मेरा टारगेट। मतलब सीरियसली सारे शॉट्स लग गए।
हमें तगड़ी वाली भूख लगी थी और यहाँ दोनों वेज एंड नॉन वेज फूड बहुत ही यमी है। हाय देयर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमने आपके सारे सवालों के जवाब दिए या नहीं ये तो आप ही को बताना पड़ेगा। और आपको ये दो वीडियोस भी जरूर देखने चाहिए। दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी वीकेंड का प्लान बना दें।